हेलो प्यारे विद्यार्थियों सुमा अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे आज हम बात कर रहे हैं क्लास नाइन्थ के इंग्लिश वर्कशीट नाइनटीन के बारे में यानी परिपोर्शन संबंधित आपका ये टॉपिक है अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं द लर्नर यूजेज करेक्ट प्रिपोर्शन लर्निंग स्किल्स है रीडिंग एंड राइटिंग तो आपको क्या करना है कुछ ऑप्शन दिए गए हैं उनको देख के आपको आंसर बताना है चूज द प्रिपोज अप्रोप्रिएट सेंटेंस पिक्चर गिवन बिलो यर दिखाई गई है तो यानी कौन सा ट्री यानी जो बंदर है वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है तो प्रिपोर्शन करेक्ट आएगी ऑन यहाँ पे आपने को लिखना है सी नेक्स्ट है ये जो आपको डोग दिखाई दे रहा है वो टेबल के नीचे स्लीपिंग है यानी सो रहा है तो द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल आएगा तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट यानी नीचे के लिए क्या आता है अंडर नेक्स्ट है यानी एक एक पोर्ट है एक जार है उस जार के अंदर क्या है फिश है तो आ जाएगा यानी इन साइड द जार द फिश इज स्विमिंग यानी फिश इज स्विमिंग इन साइड यानी अंदर है तो इन साइड आ जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना सी द फिश इज स्विमिंग इन साइड द जार नेक्स्ट है बुक के ऊपर एक एप्पल है रखा हुआ पड़ा है तो इस यानी बुक के ऊपर है तो आज क्या आ जाएगा यानी ऊपर के सेंस में ओन आता है तो द एप्पल इज ऑन द बुक्स द एप्पल इज ऑन द बुक्स यानी ऊपर के सेंस में ओन आता है तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा अपना एक्स्ट है अपनी वर्कशीट नंबर ट्वेंटी यानी वर्ब्स यानी अपने को करेक्ट वर्ब का यूज करना है लर्निंग आउटकम्स द लर्नर यूज वर्ब्स इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट स्किल्स रहेगी रीडिंग एंड राइटिंग सिंटैक्स एंड ग्रामर लर्निंग हिट्स रहेगी रीड एंड सेंटेंस गिवन अंडर कॉलम ए और बी जैसे फर्स्ट कॉलम में रहता है द पेन इज ऑन द टेबल द पेन इज ऑन द टेबल है इसी तरीके से द पेन आर ऑन द टेबल यानी यहाँ पे क्या है जैसे सिंगुलर था तो सिंगुलर वरबाई प्लूरल है तो प्लूरल वरबाई द चाइल्ड लाइक्स आइसक्रीम चाइल्ड के साथ यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर फिर आ गया चिल्ड्रन लाइक यहाँ पे प्लूरल आ गया द मैन हैज लेफ्ट द मैन हैव लेफ्ट देखो सिंगुलर मैन था यानी एक व्यक्ति था तो हैज मैन यानी कई व्यक्ति हो गए तो हैव इस तरीके से यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो जाती है जैसे एज डिस्क अबो द सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस अंडर कॉलम ए इज सिंगुलर एंड ऑल्सो वर्ब सिंगुलर द सब्जेक्ट इज सेंटेंस अंडर कॉलम बी प्लूरल एंड सो इज द वर्ब यानी प्लूरल वर्ब आएगी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी इसी तरीके से वर्ब इन एग्रीमेंट विद्जेक्ट टेन किलोमीटर तो टेन किलोमीटर क्या है सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर है तो आ जाएगा इज तो यहां पर अपने को लिखना है इज नेक्स्ट है एवरी शॉप एंड एवरी रेस्टोरेंट क्लोज यानी प्रत्येक शॉप और प्रत्येक जो रेस्टोरेंट है वो क्या है क्लोज है तो ये क्या है एवरी यानी सिंगुलर है तो यहां आ जाएगा वोज नेक्स्ट है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज यानी ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज की बात हो रही है तो ये भी क्या है सिंगुलर है तो यहां आ जाएगा इज नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर इज ओनली ब्रेकफास्ट तो ये भी सिंगुलर है ब्रेड एंड बटर तो आ जाएगा इज नेक्स्ट है द डकैत विद हिज फॉलोअर्स शॉर्ट डेड तो ये डकैत यानी यहां पे जो सब्जेक्ट है डकैत ये क्या है सिंगुलर है तो यहां आ जाएगा वॉज करेक्ट ऑप्शन अपना वॉज भरना है नेक्स्ट है ऑल द राइस इन दिस बैग ऑल द राइस इन दिस बैग तो आ जाएगा इज ऑल द राइस के लिए तो करेक्ट हो जाएगा अपना इज नेक्स्ट है वन ऑफ दीज तो वन ऑफ दीज के लिए सिंगुलर वर्ब आती है यानी कम्स कम्स भरनी है बोथ मेरी टोम दो है यहां पे आ जाएगी वर्ब प्लूरल आर नेक्स्ट है हाफ ऑफ द केक हाफ ऑफ द केक इज ऑलरेडी इटन तो क्या वर्ब आ जाएगी इज नेक्स्ट है वन ऑफ दीज के लिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स वन ऑफ़ के लिए आता है सिंगुलर वर्ब तो आ जाएगी हैज़ इस तरीके से आपको इन वर्ब को यूज़ करना है यानी वर्ब को भरना है अच्छे से यानी इन द जो ब्लैक्स दे रखे हैं इनमें तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा यानी वर्ब्स को किस तरीके से अपने को यूज़ करना है सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है और प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है थैंक यू